पूर्णिया के बायसी अनुमंडल अंतर्गत बायसी अंचल के हल्का कर्मचारियों के लिए सौगात लेकर आए हैं बायसी के विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद, जिन्होंने कर्मियों को एक स्थान पर रहने के लिए वर्षों से आ रही मांगों को पूरा करते हुए आज फीता काट कर शिलान्यास कर दिया है। जानकारी साझा करते हुए विधायक सैयद रुकनुद्दीन ने बताया कि हमारे राजस्व विभाग में जहां भ्रष्टाचार लिप्त है, वहीं लोगों को उनके पास तक पहुंचने में भी काफ़ी परेशानियां होती है। यदि राजस्व भवन बन जाता है तो लोगों को एक साथ एक ही जगह पर सभी कर्मचारी मिल पाएंगे, जिससे उन्हें परेशानियां कम होगी, साथ ही भ्रष्टाचार लिप्त कर्मियों पर भी नज़र रखना आसान हो जाएगा। इसी कड़ी में उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत हल्का कर्मचारी में एक कमरा शौचालय निर्माण कार्य 14,78,500 रुपए की राशि से बनने वाला है। ये भवन लोगों के लिए काफ़ी सुविधा उपलब्ध कराएगी और साथ ही जो भी क्षेत्र के कार्य लंबित हैं, बहुत ही जल्द उन्हें भी पूरा कर लिया जाएगा। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने भी इस कार्य पर उत्साह जताते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र के लोगों को अब यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह सभी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। गौरतलब है कि हल्का कर्मचारी भवन की कमी खलने के कारण अलग अलग पंचायत के कर्मचारी अलग अलग स्थान पर कमरा किराया लेकर रहते थे, लेकिन अब वो परेशानियां भी टल गई हैं। आप देख रहे हैं SGN न्यूज़, की बात आपके साथ। देखिए, बायसी पंचायत का ये ग्राम हल्का कर्मचारी था, इसमें बहुत दिनों से खासकर सरकारी कर्मियों को बैठने में असुविधा हो रही थी, इसीलिए इसका डिमांड बहुत दिनों से था। ये हल्का कर्मचारी का निर्माण मेरे मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत इसका बनना है। इसकी अनुमानित राशि 14,85,000 समथिंग है और इसके निर्माण कार्य होने से जन सुविधा ये होगी कि जो लोग बवाते हैं, कर्मचारियों को खोजते हैं और यहाँ के कर्मचारी के द्वारा जहाँ था मार्केट लगा के बैठा जाता है, तो ये एक अस्थायी जगह होगा जहाँ से आपके राजस्व से संबंधित समस्या का समाधान होगा। राजस्व को लेकर आपने आवाज़ उठाई थी कि यहाँ जो राजस्व में यहाँ करप्शन है जी, उसके बारे में बायसी अंचल का जो राजस्व का मामला है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ की जो बुनियादी समस्या है उसको मैंने हाउस में उठाया है और कुछ मसले पर इसमें कुछ जाँच भी बैठा है और बहुत हमको लगता है अप्रैल मई तक जांच आयोग आएगा और इस वास्तविकता का रिपोर्ट सरकार को सबमिट करेगा और दोषी जो पदाधिकारी हैं वो कोई भी होंगे, बक्से नहीं जाएंगे, उन पर आवश्यक कार्रवाई होगी। आपके निर्वाचन होने के बाद लगातार सड़क का पुल का शिलान्यास हो रहा है, लेकिन बहुत जगह अभी भी ऐसे हैं जो जन प्रारंभ नहीं हुआ। देखिए, जनता ने ये ड्यूटी दिया, क्यों नहीं कार्य प्रारंभ हुआ? एक वित्तीय वर्ष में प्रोजेक्ट बनता है, प्रोजेक्ट अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो बिहार सरकार से प्रस्ताव भारत सरकार जाता है, भारत सरकार उसे प्रशासनिक स्वीकृति देती है, तब कार्य आरंभ होता है एग्रीमेंट निविदा के माध्यम से। हमें नहीं लगता है कि जो को नेटवर्किंग है और जितनी पुल की समस्या है, हमको लगता है कि 2 से 3 साल के अंदर सारा कार्य का समापन होगा। यहाँ जिस तरह से समस्या था, इसका एक और समस्या यहाँ के लोगों का जन वितरण प्रणाली जाने वाला सड़क का, उसका कब तक हो जाएगा? जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं का दुकान तो प्राय हर गाँव में है। नहीं, वहाँ तक जाने के लिए सड़क का जो प्रखंड वाला वहाँ का भी सड़क का बहुत हालत जर्जर है, वहाँ का उसको नगर पंचायत में हम लोग प्रस्ताव दिए हैं उसको नगर पंचायत को, चूँकि बायसी पंचायत और सादीपुर बुता का कुछ पार्ट नगर पंचायत में चला गया और नगर पंचायत उसको अभी जो मौजूदा बजट है उस पर प्राथमिकता के आधार पर करेगा। सैयद रुकनुद्दीन, विधायक बायसी जी के सौजन्य से बन रहा है यहाँ पर, जो कर्मचारी लोगों को बहुत परेशानी थी, ये लोग भाड़े के मकान में रहकर अपना चलाते हैं और वो भाड़ा हम ही लोगों से वसूल करते हैं। अब यहाँ जो लोग रहेंगे तो भाड़ा नहीं लगेगा, तो हम लोग उनसे कम फीस पास लेंगे और बाकी बढ़िया से काम होगा, हम लोग आके देखेंगे कि अपने घर में हैं। क्या नाम है? अब्दुल राजिक, बायसी बाज़ार।